लोकसभा चुनाव के चलते आज पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के लिए पठानकोट पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए स्थानीय लोगों ने अपने वार्ड के बाहर मांगों को लेकर बोर्ड लगा दिया है कि जिन पर लिखा हुआ कि वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। मांगों को लेकर वार्ड नंबर 23 के लोगों ने अपने मोहल्ले के चौराहों पर होर्डिंग्स लगवा दिए हैं जिन पर लिखा है कि वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। लोकसभा चुनाव के चलते वार्ड नंबर 23 के करीब 50 घरों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से वार्ड के लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन निगम पर भाजपा का कब्जा होने के बावजूद उनकी समस्या का हल नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि इस संबंधी कई बार वार्ड के पार्षद को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस है, जिसलिए आज उनके द्वारा ये होर्डिंग लगा दिए गए हैं। पिछले 2 साल दे विच पानी गंदा पी रहा है, जिदे कारण लोकी ज़्यादा बीमार ने। तो सारे महल वाले ने एको ही सलाह की है कि अपना ना वोट पानी है, तो जे साढ़े कोई मंत्री आए तो वोटा तो पहला आए तो साढ़ा काम करवाए तो फिर उस तो बाद वोटा का हकदार। वार्ड नंबर 23 दे विच साढ़ा 2 साल तो पानी ना गंदा आ रहा, अभी अपने MC नूं ते बड़े लोगों नूं बोल के अं इन दसिया उन्होंने कि साढ़े पानी बहुत गंदा आ रहा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस उत्ते। ये जी साड़ी मेन पाइप है, एक पता नहीं जगह जगह 30-35 साल तो पई हुई है, जगह जगह टुटी हुई है, तो ये साढ़े पूरे महल के पानी जो सीवरेज का गंदा आता है, गंदे पानी ना साढ़े महल के सारे बंदे रोज़ कोई ना कोई दाखिल होया बंदा हॉस्पिटल, लेकिन कोई भी बंदा इस चीज़ को देख के साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हूँ जे अता कि प्रोटेस्ट बोलीए ना, अही बोर्ड लगा दिता गया, तो जो हूँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन के जोड़ा भी साढ़े को वोट मंगना है, अभी उन्होंने बायकट किया गया, किसी पार्टी को वोट नहीं देना। साड़ी पहले समस्या का हल होएगा, उस तो बाद अभी ये काम को अगे वोटिंग के बारे सोचा। कह गए हैं कि हम वार्ड नंबर 23 के जो निवासी हैं वो पिछले दो साल से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। सब आते हैं, MC आते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन आकर चले जाते हैं, कोई इस चीज़ का हल कोई नहीं करता है। और हम पिछले 2 साल से परेशान हैं, इसलिए हम इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं और अब होल्डिंग हमने लगाए हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। जागृति लहर के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।